पकड़ो मुझे। तुम इसकी टांगी पकड़ो, टांगी पकड़ो इसकी। उरे उरे पकड़ो पकड़ो इसको। चुप हो जाओ। लेवेंट साहब, शाजिया, डरो नहीं, इसकी टांगे पकड़ के रखो। अरे तुम हो, मुझे लगा कहीं कोई, सब कुछ खत्म हो गया। केनान, केनान मिल गया क्या? चुप हो जाओ, ज्यादा शोर नहीं मचाओ, चुप हो जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? मेरी जान, तुम्हें रुकने को कहा था मैंने, तुमसे सबर नहीं हुआ, यहाँ आ गए। हाँ मेरी जान। हेलो एश्ली, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? और तुम इसे मेरी जान किस खुशी में बुला रही हो? वो बाजी ने मुझे बताया था कि आप लोग सुबह यहाँ आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी बस। क्या वो लोग थाने में हैं? कौन है थाने में? अरे शिमाल और शिवान हवालात में बंद हैं। या अल्लाह शिवान, क्या? या मेरे अल्लाह, वो लोग थाने में हैं। कुछ बताएंगे समधी साहब? हाय मेरा बेटा। मेरी जान, चलो बुढ़ियो। क्या हुआ, सुबह हो गई क्या? तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी, मेरा दिल ही नहीं किया तुम्हें उठाने के लिए। यानी मतलब कल रात के बाद थककर सोना एक नॉर्मल सी बात है। रात को क्या हुआ ऐसा? चलो मैं नाश्ता लगाता हूँ, तुम देर मत करना। मुझे कुछ याद। तुम बहुत शरारती हो, मेरे मुंह से सुनना चाहती हो ना तुम? मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी वो। तुम सोते रहो आराम से, तुम्हारा भाई यहाँ दास्तान लिख रहा है और तुम सोते रहो आराम से। मैंने तुमसे कहा था कंपनी मेरी होगी। मैं इतना जहीन हूँ कि कंपनी मुझे ही मिलनी चाहिए। उफ उफ, कंपनी गई, कंपनी उस गधे पागल के हाथ में आ जाएगी। उफ। आप लोग जा सकते हैं। हम जा सकते हैं? किसने छुड़ाया? आपके बाबा ने। हमारे बाबा ने? लग रहा है सबको पता चल क्या होगा। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कैसे सामना करेंगे। शिवान कुछ तो बोलो, क्या होगा आगे? बाबा जान, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं हर चीज की तफसील बता सकता हूँ कि ये गलत फहमी आखिर हुई किस तरह से। हाँ, बताओ। देखें, हर चीज शिमाल की वजह से शुरू हुई। ये सब कुछ जो हुआ है शिमाल की वजह से हुआ है। क्या? बेटा क्या कह रहा है? बाबा, हाँ मैंने शुरू किया था सब, लेकिन इसने जारी रखने के लिए कहा, वरना मैं तो कब का खत्म कर चुकी होती। क्या मैंने कहा था तुमसे? मैंने तो तुम्हें मना किया था कि ऐसे खेल मत खेलो, ऐसा खेल खेलोगी तो परेशानी हो जाएगी बाबा को, लेकिन तुम मानी नहीं। हो गई ना परेशानी? मैंने मना भी किया था तुम लोगों को इस खेल के लिए। ठीक कह रहे हैं बाबा जान, मैंने भी इसे मना किया था कि ऐसा खेल मत खेलो, ऐसा खेल खेल नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। जरा मेरी तरफ देखो, इस झूठ को अब तुम यही खत्म करो। आप लोग देख रहे हैं ना बाबा, अभी आप इसका रवैया देख लें। देख रहे हैं आप कितनी गुस्से की तेज है ये। मैं मजबूर हो जाता हूँ, क्या करूँ?
हर चीज मुझे इसकी जबरदस्ती माननी पड़ती है, क्या करूं? अच्छा तो मैंने तुमसे जबरदस्ती करवाया है। अच्छा अच्छा ठीक है, जो होना था हो गया, अब बात को क्यों बढ़ा रहे हो? लेकिन महमूद ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई थी इन्हें? हाँ तहसीन भाई ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना कि कोई बात नहीं है, अब शिवान जैसे लड़के को गाड़ी चुराने की क्या जरूरत पड़ गई? वो बात तो ठीक है, लेकिन गाड़ी तो चुराई है ना आखिर इस लड़के ने। चले चले ठीक है तहसीन साहब, कोई जरूरी वजह होगी तभी उसने ये हरकत की है। मेरी बेटी इसकी बातों में आ गई और गलती कर बैठी, इस गलती के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं आप लोगों के सामने वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं, मैं अपने बेटे की रग रग से वाकिफ हूँ, ये सब इसकी खराफात का नतीजा है। देखें आप हमारी बेटी शिमाल को इल्जाम ना दें। बाबा क्या आप गाड़ी चुराने की वजह से डांट रहे हैं? हाँ तो और किस लिए डांटूंगा इतनी देर से? गाड़ी चुराई तुमने, एक गाड़ी, एक इंसान गाड़ी क्यों चुराता है पता है? एक मिनट, क्या तुमने कोई और फसाद भी किया है? नहीं नहीं कोई फसाद नहीं किया। और उसके ऊपर तुम बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहे हो। बेटा गाड़ी चुराने की क्या नौबत आ गई बताओगे तुम? बेटी तुम दोनों में से मुझे कोई एक समझाएगा? बाबा जान मैं, वो हुआ ये था कि हमने गाड़ी एक वजह से चुराई थी। अरे किस वजह से? अरे बाबा ये सब बातें मैं इन लोगों के सामने कैसे कर सकता हूँ, आप थोड़ा सा समझे ना बात को। बाबा la 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 la